यमुनानगर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी फोर्ड एंडेवर गाड़ी में नशे की गोलियां, कैप्सूल व नशीले सिरप बरामद किए हैं। आरोपी उत्तर प्रदेश से हरियाणा में यह नशीले प्रतिबंधित दवाइयों को लाकर सप्लाई करता था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद और कई लोग अब पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। तो CIA 2 है, उन्होंने NDPS एक्ट के मामले में नशे की एक खेप बरामद की है और काफ़ी भारी संख्या में जो है प्रतिबंधित दवाइयां जिनसे नशा किया जाता था, कैप्सूल, गोलियां, इंजेक्शन, सिरप इत्यादि, वो उनको जो है वो कार्रवाई करते हुए हमने गुप्त सूचना पे उस खेप को पकड़ा है और जो आरोपी है वो भी पकड़ा गया। तो ये हमारा जो और बॉर्डर है यूपी के साथ, वहाँ पे एक हमें हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी, टू को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि काफ़ी भारी मात्रा में जो है वो नशा लाया जा रहा है। तो वहाँ पे तुरंत प्रभाव से नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी करने के बाद एक फोर्ड एंडेवर गाड़ी को रोका गया और जब सारे प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए NDPS एक्ट के उसकी तलाशी ली गई तो कुल मिला के जो है वो 10,080 कैप्सूल भिन्न भिन्न प्रकार के, 75,000 टैबलेट्स, 300 सिरप और 100 इंजेक्शन जो हैं ये बरामद किए गए। और जो आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है अमित, उसका नाम है अमित और ये बराड़ा का रहने वाला है। इसका CIA 2 ने भी ये कार्रवाई करते हुए ये काफ़ी भारी मात्रा में पकड़ा है और आगे भी जो इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं सारी, ये कहाँ से लेके आता था और आगे कहाँ पे सप्लाई करता था, उनके बारे में भी हमने जो है वो कवायद शुरू कर दी है। और ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।